नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोल खोल के अंदर। आप सभी को बता दूं कि हमने हमारे शो के माध्यम से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की थी, क्योंकि एक ही महीने के अंदर लगातार 3 ऐसे मामले सामने आए थे जिन पर पत्रकारों पर हमला किया गया था और एक पत्रकार को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो इसी को लेकर के आज राजधानी जयपुर के अंदर सभी पत्रकार संगठन शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर मौजूद कई ऐसे पत्रकार भी हैं जिनको धमकी भी मिली गई थी। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ पत्रकार करतार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो करतार जी, क्या है ये पूरा मामला, कि क्या लगता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून, क्योंकि एक ही महीने में लगातार तीन तीन ऐसे पत्रकार थे जिनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। देखिए पुलकित जी, मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, और सभी एकजुट एकता में एक आवाज़ उठाए तभी ये कांग्रेस सरकार राजस्थान में सुन पाएगी। ये पूरा मामला महीना 2 महीने से चला आ रहा है, 2 महीने होने में जा रहे हैं। मानसरोवर थाने अंतर्गत ये तीनों वारदात हुई है, तीनों में अभी तक पत्रकारों को किसी को भी न्याय नहीं मिला है। जी करतार जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसी के साथ में आज जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है वो पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ साथ जो पत्रकार की मौत हुई थी उसको लेकर के भी दिया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पुलकित जी, मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम तो राजस्थान सरकार को यानी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू तुरंत प्रभाव से करना चाहिए इसी को लेकर, और दूसरा जो पालीवाल जी जो वरिष्ठ कैमरामैन है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ भी पेट्रोल पंप पे मारपीट हुई है, उनके दांत तक तोड़े गए हैं, पत्रकार अभिषेक सोनी ने अपनी जान तक गंवा दी। यानी ऐसी स्थिति में एक पत्रकार यानी वरिष्ठ पत्रकार सनी आत्रेय जी को भी यानी ACP मानसरोवर के नाम से धमकी भी मिली है। ऐसी तमाम यानी 11 शर्तें हैं, पत्रकार अभिषेक सोनी के पेरेंट्स को यानी कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार से एक को सरकारी नौकरी दिया जाए। इन्हीं समस्या को लेकर यानी पत्रकार सुरक्षा कानून को यानी लागू करने के लिए ये धरना दिया जा रहा है। लेकिन करतार जी, ये धरना प्रदर्शन पुलिस कमिश्नरेट के सामने दिया जा रहा है जैसा कि सुनने में आया है, और अगर पुलिस कमिश्नरेट के सामने ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है तो पुलिस का इस ओर ध्यान पूरा पूरा होगा, लेकिन अगर पुलिस उस पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर क्या मतलब इस पुलिस का राजधानी जयपुर में? देखिए पत्रकारों ने अभी 12 बजे से 4 बजे तक का समय रखा है, अगर सरकार 11 मांगों को पूरी तरह से मानने में यानी समर्थ होती है तो पत्रकार अपना धरना वापस लेंगे, अन्यथा इससे भी बड़ा पत्रकार धरना प्रदर्शन भी होगा, आंदोलन तक होगा, जैसे कि दिल्ली में यानी किसानों के साथ हो रहा है, वहां पे भी BJP सरकार नहीं देख रही है, तो यहाँ पत्रकारों के साथ भी हो रहा है, यहाँ कौन सी कांग्रेस सरकार देख रही है? आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार है उस कांग्रेस सरकार का पूरा पूरा ध्यान अपनी सरकार को बचाने में लगा हुआ है। एक तरफ गहलोत जो बाकी जगह है वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन वहीं उनके खुद के क्षेत्र के अंदर पत्रकारों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज है। बिल्कुल, आपने देखा अभी 4-5 दिन पहले, कुछ समय पहले यानी कांग्रेस सरकार के यानी वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, PCC चीफ डोटासरा जी यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन्होंने भी यानी धरना प्रदर्शन दिया था, धरना भी किया था, बैठे भी थे यानी वहाँ पे, कि किसान के समर्थन में यानी कांग्रेस सरकार उतर गई। लेकिन कांग्रेस सरकार के राज में पत्रकारों के साथ जो अत्याचार हो रहा, यहाँ कौन सी सरकार आएगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पत्रकारों के साथ में कौन सी सरकार खड़ी होगी, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर अभी तक ये सामने आया है कि इसके अंदर कोई भी ना तो कांग्रेस का ना ही BJP का कोई बड़ा नेता इसके अंदर सम्मिलित हो, तो ये तो एक तरह से बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर पत्रकार BJP नेता और कांग्रेस नेताओं के ही खबरें चलाते हैं और यदि उन्हीं के नेताओं के द्वारा उनको सपोर्ट ना मिले तो फिर आखिर पत्रकार जाएगा कहां? बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, यानी पत्रकारों की 11 शर्त जो मांगे हैं उनको सरकार पूरी करे, पत्रकार अपना धरना आंदोलन जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब हम वापसी लेने को तैयार है, अगर सरकार इन सब मुद्दों पर खरी नहीं उतरती है तो बहुत बड़ा आंदोलन भी पत्रकारों द्वारा राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो करतार जी, पत्रकार का अगर आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर देखा जाएगा, आप जैसा बता रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पत्रकार का आंदोलन देखा जाएगा, तो इससे तो ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि जो आने वाली कांग्रेस सरकार है और जो कांग्रेस सरकार के अब जो चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर पत्रकार भी चुनावी खबरें दिखाना बंद कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, तमाम यानी ऐसे यानी प्रिंट अखबार है जिन्होंने तो BJP सरकार की खबरें लगाना तक बंद कर दिया, अगर ऐसी स्थिति राजस्थान में रही तो पत्रकार कांग्रेस और BJP की यानी कोई भी खबरें किसी भी यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट अखबार हो सबको यानी नजरअंदाज करते हुए अपने यानी पक्ष पे ही रहेगा, किसी भी पॉलिटिशियन की खबरें नहीं दिखाएगा। इसमें दूसरा मुद्दा उठ करके ये भी सामने आ रहा है कि डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए
सरकारी मान्यता डिजिटल मीडिया को भी दी जाए, तो क्या लगता है सरकार इस पर बात करेगी? जी बिल्कुल, सरकार को मानना चाहिए। सर्वप्रथम आपको पता है सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि यानी हर एक किसी को टाइम नहीं मिलता है कि घर पे टीवी देखो, खोल के देखो। एक सोशल मीडिया है, मोबाइल एक 24 घंटा आदमी के साथ रहता है, जैसे एक साथी के बराबर रहता है, तो उसमें पल पल की खबरें अपडेट होती है, तो सरकार को ये सब मांगे माननी चाहिए। तो चलिए, ये तो था हमारे साथ में पत्रकार करतार सिंह का कहना कि किस प्रकार से इस धरना प्रदर्शन को किया जाएगा, और अगर इस धरना प्रदर्शन के अंदर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जाएगी। तो इस खबर पर हम आपको ज्यादा जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।